अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो ईओबीआई पेंशन में इजाफे से रिलेटेड है। ईओबीआई पेंशन में कितना इजाफा हुआ, विफाक का बजट जो है वो 12 जून 2024 को पेश हो गया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो है उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया और ग्रेड 17 से 22 तक के जो अफसरान हैं सरकारी मुलाजमीन इनकी तनख्वाहों में 22% इजाफा किया। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन जो है इन पेंशन जो जिनकी पेंशन आती है, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में जो है वो 15% इजाफा किया गया। जब भी ईओबीआई पेंशन में इजाफा हुआ है, इसका जो अनाउंसमेंट है वो बजट में ही किया जाता है, लेकिन इस वक्त जो भी विफाक का बजट आया उसमें ईओबीआई की पेंशन से में के बारे में कोई स्पीच नहीं की गई। अच्छा, ये बात भी फैक्ट है जनाब कि बजट का ईओबीआई पेंशन में इजाफे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट होती है वो बजट के दौरान ही होती है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री में जब जब ईओबीआई पेंशन में इजाफा हुआ है तो इसकी अनाउंसमेंट जो है वो बजट में ही की गई है। जब हमने ईओबीआई के कंसर्न लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, इनसे कॉन्टेक्ट किया कि जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफे की क्या अपडेट है, तो उन्होंने हमें बताया कि जनाब वैल्यूएशन का प्रोसेस जो है ईओबीआई में शुरू हो चुका है। वैल्यूएशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, वैल्यूएशन का प्रोसेस जब भी ईओबीआई पेंशन में इजाफा होने वाला होता है तो उससे पहले जो है वो वैल्यूएशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका होता है। जबकि हमने उनके सामने ये बात रखी जनाब, विफाक के बजट में ईओबीआई पेंशन से रिलेटेड कोई स्पीच नहीं दी गई, जिस पे हमें जवाब मिला ईओबीआई की तरफ से कि बजट विफाक का हो या सूबों का हो, ईओबीआई पेंशन का ताल्लुक जो है वो बजट से नहीं होता। ऐलान हो या ना हो, विफाक का बजट हो या सूबों का बजट हो, ईओबीआई पेंशन जो वो बिल्कुल सेपरेट इदारा है। जब हमने कांटेक्ट किया जनाब अपवा और लेबर फेडरेशन या फिर ईओबीआई पेंशन की जो दूसरी जमातें हैं या ग्रुप्स हैं उनसे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब ईओबीआई में वैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है, ठीक है। ईओबीआई की नुमाइंदा जमातें जो हैं, चाहे वो अपवा हो, लेबर फेडरेशन हो या फिर दूसरी और भी बहुत सारी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब ईओबीआई में वैल्यूएशन का प्रोसेस वो जारी है और ये प्रोसेस उसी वक्त होता है जब ईओबीआई पेंशन में इजाफा होता है, ठीक है। मज़ीद हमने मालूम ये करने की कोशिश की जनाब, चले अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि ईओबीआई में पेंशन में बहुत जल्द जो है वो इजाफा होने वाला, तो इजाफा होगा तो वो कितना होगा, ठीक है, क्योंकि विफाक का भी बजट आ चुका है और तकरीबन बलूचिस्तान के अलावा तमाम सूबों का भी बजट आ चुका है, और एवरेज 25% जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हुआ है, 15% जो है वो जो है पेंशन में इजाफा हुआ है, तो ईओबीआई की पेंशन में कितना इजाफा होने वाला है, क्योंकि जो कम से कम है वो ईओबीआई पेंशन जो है वो 10,000 है, तो अब ये बढ़कर कितना होगा। तो अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वैल्यूएशन के प्रोसेस के बाद जो ईओबीआई में इजाफा होगा वो जो सूबों का बजट आया है, जैसे सिंध का बजट आया है कि सरकारी मुलाजमन की सैलरी में 30% का इजाफा होगा, विफाक में 25% होगा, पंजाब में 25% होगा, लेकिन ईओबीआई कह रहे हैं कि जो जब वैल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जब ईओबीआई पेंशन में इजाफा होगा तो ना ये 25% होगा और ना ही 30% होगा, ये इनसे बहुत ज़्यादा होगा। ईओबीआई में वैल्यूएशन प्रोसेस जारी है, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर जनाब ईओबीआई में पेंशन में इजाफे पे काम स्टार्ट होगा, ये अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। इसकी कन्फर्मेशन हमें जो आप लोगों की जमातें हैं, मुख्तलिफ अफवाह हो, लेबर फेडरेशन हो या फिर ईओबीआई की दूसरे नुमाइंदा जमातें हों, इसकी वो भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। मज़ीद कोई अपडेट मिलती तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के अल्लाह हाफिज़।